प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने सेवा सप्ताह के अंतर्गत संजय पैलेस में अभियान चलाया। अभियान में मासिक वितरण, मासिक धर्म स्वच्छता अभियान, एकल प्लास्टिक का उपयोग न करना और पौधारोपण का कार्यक्रम किया और 70 लड़कियों और महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन भी वितरण किए। बता देंगे, सुलभ इंटरनेशनल संस्था देश में स्वच्छता के प्रति आम लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर यह अभियान चलाती है। वहीं जाने माने सामाजिक सुधारक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक द्वारा 1970 में स्थापित हुई सुलभ इंटरनेशनल संस्था स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करते में निरंतर जागरूक रहती है। डॉक्टर पाठक ने एक संदेश के माध्यम से कहा, स्वच्छता और पानी के क्षेत्रों में काम करने वाले एक एनजीओ के रूप में हमने भारत के लिए खुले में शौच मुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी भागीदारों के साथ प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप काम किया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों से हम प्रधानमंत्री के दिल के करीब कार्यक्रमों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मना रहे हैं, जो देश के करण के लिए महत्वपूर्ण है। एके सिंह, राज्य उप निरीक्षक, ने बताया कि स्वयं सहायता समूह आशा कार्यकर्ताओं के साथ 16 स्वयं सेवकों ने लड़कियों और महिलाओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व पर चर्चा की।